हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज करते हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। ठीक है, इन चारों में से कौन सा मटेरियल ऐसा जिसको आप लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेंस क्या होता है, कोई शाइनी सरफेस, ठीक है, जो क्या बिल्कुल स्मूथ हो और जिसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपने नॉर्मल देखो घर पे जब पानी गिरता है फर्श पे, उस पर जब टॉर्च मारते हो आप तो रिफ्लेक्शन होता है, ग्लास में से भी होता है, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनमें से होता है, ठीक है, ग्लेयर प्रोड्यूस होती है। लेकिन क्ले जो होती है, मिट्टी जो होती है आपकी चिकनी मिट्टी, उसमें ये सब नहीं होता। इसका मतलब क्या, आप क्ले को लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला बेटा, आपके पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, क्या देख रहे हो आप, उससे इमेज बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का साइज उससे क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है ना बेटा, ठीक है, तो आपसे पूछा क्या हुआ है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है जो आपको ऐसी इमेज बन रही है। ठीक है, तो कनकेव मिरर बोला है, कनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो सारी कैसी बनती है, आपकी रियल बनती है। ठीक है, कब, सिर्फ एक केस में होता है जो आपकी कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है। कब बनती है, जब क्या हो आपका, मान लो आपका हम ड्रॉ करते हैं ये मिरर, ठीक है, ये पी पॉइंट, ये एफ और ये टू एफ या सी, ठीक है, सी लो। जब आप ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बिल्कुल बीच में रखते हो, ठीक है ना, जब आप ऑब्जेक्ट को बेटा एफ और पी के बीच में रखते हो, तब आपकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इससे बड़े साइज की बनती है वो वर्चुअल, एंड कैसे बनती है, इरेक्ट, एंड कैसे बनती है बेटा, इरेक्ट। बाकी सभी केस में कैसे बनती है आपकी, इस तरह बनती है, इन्वर्टेड, ठीक है, इस केस में कैसे बनती है आपकी, बेटा इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो इसको तो आपसे पोजिशन पूछिए, तो पोजिशन क्या होगी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोला है कि आपको, क्या बोला है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखो, कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखो कि आपको जो इमेज बने वो कैसी बने, रियल बने। ठीक है, और क्या बोला हुआ कि जो इमेज बन गई उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ का होना चाहिए। ठीक है ना, जो साइज़ क्या आपका ऑब्जेक्ट का, वही साइज़ क्या होना चाहिए आपका, इमेज का होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कौन सा, जो हमने बहुत बार डिस्कस किया है क्लास में, क्या डिस्कस किया कि ये आपका मान लो लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ पॉइंट, ये टू एफ। तो जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बेटा टू एफ पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को, टू एफ पे रखते हैं। ठीक है ना, तो इसकी इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, इधर एफ पॉइंट, ये टू एफ पॉइंट। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को टू एफ पे रखते हो तो इसकी इमेज भी कहाँ बनती है बेटा, टू एफ पे बनती है। ठीक है, और उस टाइम क्या होता है, जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है या जितनी डिस्टेंस है उतनी क्या होती है बेटा, सेम इमेज की हाइट होती है। ठीक है, और कैसी होती है इमेज, होती कैसी आपकी, रियल होती है। ठीक है, यही पूछा हुआ आपसे कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा कि इमेज और ऑब्जेक्ट की जो है वो सेम साइज़ बने और रियल बने। ठीक है, तो कहाँ पर रखते हो, जब आप टू एफ पे रखते हो। ठीक है, या इसको और क्या बोलते हैं, ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है ना, इस डिस्टेंस को ओ से एफ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और जितनी डिस्टेंस ये होती है, डिस्टेंस की होती है बट आपकी सेम ये होती है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है, देखो फर्स्ट इसके ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं, एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, क्या बोला है, एफ पे रखेंगे, नहीं तब नहीं होगा। एट इन्फिनिटी, बहुत पीछे कहीं, तब भी नहीं बनेगी। ठीक है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, इसके बीच में रखेंगे, तब तो आपकी इमेज रियल भी नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी उस केस में। ठीक है, एक बच गया कौन सा, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हर बार इसकी स्टेटमेंट चेंज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ ऑफ नेगेटिव 15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द कन्वेक्स एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। क्या बोला हुआ क्वेश्चन में, एक स्फेरिकल मिरर लिया है आपने और एक स्फेरिकल लेंस लिया है बेटा आपने। ठीक है, और क्या बोला हुआ, दोनों की फोकल लेंथ कितनी है, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी डैश, कि मिरर कौन सा होगा और लेंस कौन सा होगा आपसे वो पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो टॉपिक है ना, आपको इसका आंसर कब आएगा, जब आपको साइन कन्वेंशन का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। ठीक है ना, जो साइन कन्वेंशन का टॉपिक है ना जो आपका, जब आपको वो क्लियर होगा तो ये आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो
हम किस जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, मिरर, अगर हम मिरर की बात करते हैं ठीक है, मिरर के पी पॉइंट से लेते हैं सारी ठीक है, लेंस होता है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ पॉइंट से हम क्या करते हैं सारी डिस्टेंस को देखते हैं कि डिस्टेंस जो वो लेफ्ट साइड में आ रही है या राइट साइड में आ रही है ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में आ रही है तो क्या होती है नेगेटिव लेते हैं, अगर राइट में आते तो हम क्या लेते हैं बेटा पॉजिटिव लेते हैं ठीक है। अब क्या दे रखा है आपको फोकल लेंथ दे रखा है फोक, और वो भी कितना दे रखा है नेगेटिव 15 सेंटीमीटर ठीक है। मतलब क्या है जिस भी मिरर का या जिस लेंस का एफ पॉइंट ठीक है प्रिंसिपल फोकस ये पॉइंट ठीक है जहाँ पे लाइट रेज आके सारी इकट्ठी हो रही हैं, वो पॉइंट जिसका भी क्या होगा बेटा पी के या ओ के लेफ्ट साइड में होगा ठीक है, उसी की फोकल लेंथ किस में होगी नेगेटिव में होगी ठीक है। तो आप देख लो कौन कौन से केस में ऐसा होता है ठीक है कि लाइट रेज आके सारी ऑप्टिकल सेंटर या पी पॉइंट के लेफ्ट में इकट्ठी होती है, पी लेफ्ट में जो एफ पॉइंट उस पर इकट्ठी होती है ठीक है, तब उसकी लेंथ जब उसकी जो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो किस किस केस में होता है बेटा आपका ये, एक तो मिरर के केस में होता है, कौन सा मिरर के केस में होता है कन्वे कनकेव मिरर के केस में होता है ठीक है, और क्या होता है आपका कनकेव लेंस के केस में होता है ठीक है। दोनों केस में क्या होता है कि जो आपकी लाइट रेज होती है वो लेंस के लेफ्ट साइड का जो प्रिंसिपल फोकस है वहाँ पे आगे क्या होती है इकट्ठी होती है, वहाँ पे उसके प्रिंसिपल फोकस पे इकट्ठी होती है, तब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा आपकी नेगेटिव होगी ठीक है। तो किस केस में होगा बोथ कनकेव मिरर भी कनकेव होगा जब आपका और आपका लेंस भी कैसा होगा कनकेव होगा, तब ये केस आपको क्या होगा बेटा आएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी, क्या बोला है बेटा आपके पास कि आपके पास कोई मिरर है ठीक है, मान लो आपके पास ये कोई भी मिरर, मान लो आप ये मिरर है, मान लो आपके पास यहाँ मिरर रखा है ठीक है, आप चाहे यहाँ पे खड़े हो, चाहे आप यहाँ पे हो, चाहे आप यहाँ पे हो, कहीं भी हो, इसके कितना भी पास हो कितना दूर हो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमेशा जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है बेटा आपकी इरेक्ट कैसी बन रही है, ऑलवेज इरेक्ट बन रही है ठीक है। तो आपसे पूछा है कि मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर ठीक है, उन दोनों मिरर से एक ऐसा मिरर होता है जिसमें आप जिस पे पोजीशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, आप चाहे इमेज ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो हमेशा इमेज कैसी बनती है आपकी इरेक्ट बनती है ठीक है, वर्चुअल बनती है। तो कौन से केस में होता है आपका, सिर्फ कन्वेक्स के केस में, किस में होता है बेटा ओनली कन्वेक्स में ठीक है। क्या ये सही है, नहीं ये नहीं आएगा ठीक है ना, देखो वो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, ओनली प्लेन ओनली कनकेव ओनली कन्वेक्स, और लास्ट क्या बोला आइदर प्लेन और कन्वेक्स दोनों ठीक है। प्लेन मिरर बेटा जो घर पे आप मिरर यूज़ करते हो, शीशा जो यूज़ करते हो ना ड्रेसिंग टेबल में, वो प्लेन मिरर होता है ठीक है। तो उसके सामने आप खड़े होकर देखो ठीक है, मान लो आपका शीशा यहाँ पे रखा मिरर यहाँ पे, आप यहाँ खड़े हो, तब आपकी इमेज कैसी बनेगी, इसमें ऐसी बनेगी सीधी बनेगी, बनती नहीं बनती, आप पीछे चले जाओ थोड़ा दूर तब भी इमेज कैसी बनेगी सीधी बनेगी, और पीछे चले जाओ इमेज तब भी कैसी बनेगी आपकी सीधी बनेगी, हमेशा हमेशा कैसी इमेज बनाता है आपकी इरेक्ट बनाता है ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस तो एक तो कन्वेक्स मिरर होता ही होता है, उसके साथ और कौन सा होगा प्लेन मिरर भी आपकी इमेज कैसे बनाता है हमेशा इरेक्ट बनाता है ठीक है ना। दोनों आएंगे तो क्वेश्चन दोनों ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों आते हैं, डी ऑप्शन, आइदर प्लेन मिरर होना चाहिए या फिर कन्वेक्स मिरर होना चाहिए तभी आपकी इमेज कैसी बनेगी हमेशा इरेक्ट बनेगी ठीक है ना। ये दोनों कैसे सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा डी आएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी, क्या बोला बेटा कि जो डिक्शनरी होती है उसमें जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको ढूंढने के लिए उनको पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करते हो ठीक है ना। लेंस के बारे में बोला हुआ, चार ऑप्शन दे रखे हैं, कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस, डिफरेंस क्या है उनकी फोकल लेंथ में ठीक है। तो कौन सा लेंस स्मॉल लेटर को बड़ा करके पढ़ने के लिए आप कौन सा यूज करते हो ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास ठीक है, इसमें हम कौन सा यूज करते हैं कनकेव, कौन सा यूज करते हैं बेटा कनकेव यूज करते हैं नहीं कन्वेक्स, कौन सा यूज करते हैं आपका कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ठीक है। अब देखो ये कब यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस जो होता है ना आपका वो सभी केस में इमेज बड़ी नहीं बनाता ठीक है ना, स्टार्टिंग के दो केस जब इन्फिनिटी पे होती है ऑब्जेक्ट तब उसकी इमेज जो बनती है वो स्मॉल बनती है बिल्कुल छोटी, थोड़ा सा आगे लेके आते हैं तब थोड़ी सी बड़ी बनती है ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी होती है थोड़ा और आगे लेके आते हैं ठीक है। जब आप कन्वेक्स लेंस में बेटा जब आप कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, बिटवीन ओ पॉइंट एंड एफ पॉइंट, बिटवीन ओ पॉइंट एंड एफ पॉइंट जब आप रखते हो ना तब इसकी इमेज कैसी बनती है बहुत बड़ी बनती है, लार्जर बनती है ठीक है, मैग्नीफाई इमेज बोलते हैं ठीक है। तो कौन सा लेंस यूज करोगे आप, कन्वेक्स लेंस यूज करोगे, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए, बहुत पास होना चाहिए ऑब्जेक्ट उसके लेंस के तभी उसकी इमेज कैसे बनती है बड़ी बनती है ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर ठीक है, कि जो आप लेंस होना चाहिए वो कन्वेक्स होना चाहिए और उसकी फोकल लेंथ जो है मतलब ऑब्जेक्ट की लेंस से जो दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए तभी इमेज कैसे बनेगी आपकी मैग्नीफाइंग ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7,
वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. क्या बोला है हमें, एक ऑब्जेक्ट है उसकी इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है. और क्या यूज़ किया हमने, कॉनकेव मिरर यूज़ किया जिसकी फोकल लेंथ क्या है बेटा 15 सेंटीमीटर, मतलब पी पॉइंट से एफ पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है. व्हाट शुड बी रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होनी चाहिए मिरर की, ठीक है. और मिरर जो इमेज बनती है उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है. और जो इमेज बनेगी वो छोटी होगी या बड़ी होगी, ठीक है. आपको डायग्राम बना के इसको शो करना, ठीक है. तो क्या होगा, बोला कौन सा हुआ इमेज, मिरर कौन सा बोला, कॉनकेव मिरर बोला हुआ है, ठीक है. और इमेज कैसी चाहिए आपको, इरेक्ट चाहिए, ठीक है. इरेक्ट इमेज चाहिए. देखो इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर में कब बनती है, हर केस में कॉनकेव मिरर जब हम यूज़ करते हैं ना, तो सारी इमेज जो बनती है हमारी कैसे बनती है, हमारी इन्वर्टेड कैसे बनती है बेटा, हमारी इन्वर्टेड. 6 केस पढ़े हमने, उनमें से 5 केसेस में इमेज कैसी बनती है आपकी, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है. ओनली जो लास्ट 6 केस होता है उसमें कैसे बनती है इमेज आपकी, ऐसे इरेक्ट बनती है बड़े साइज की, ठीक है. कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, बिटवीन पी पोल ऑफ द मिरर एंड एफ फोकस, ठीक है. जब हम फोकस और पोल पी के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तब उसकी इमेज कैसी बनती है आपकी, ये बनती है इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, ठीक है. लेकिन जो इमेज उसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल इमेज कैसी बनती है आपकी, वर्चुअल. तो इसका ये रे डायग्राम, आपको डायग्राम पूछा रे डायग्राम क्या होगा, तो ये उसका रे डायग्राम आएगा बेटा. ये केस होगा जब इसकी इमेज कैसी बनेगी आपकी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है. इरेक्ट और वर्चुअल. आपसे क्या पूछा, रेंज क्या होनी चाहिए उसका, नेचर क्या होना चाहिए, ठीक है. नेचर क्या होगा, रेंज का मीनिंग क्या पूछा है यहाँ से, कि जो आपका ये जो मिरर है इसकी पावर है, ठीक है, इस किस डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है. पावर का इसका रेंज का मतलब क्या है बेटा, आपको कि कितने डिस्टेंस के बीच में आपको, किस डिस्टेंस के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है ताकि ये इमेज हमें इरेक्ट बने, ठीक है. तो कितने, किस डिस्टेंस के बीच में होना चाहिए, ओ से एफ के बीच में ही होना चाहिए, मतलब फोकल लेंथ के बीच में होना चाहिए, ठीक है. तो क्या बोलोगे आप, रेंज शुड बी 0 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है. लिखो, ठीक है, ये रेंज होनी चाहिए. और क्या पूछा, नेचर कैसा होगा इमेज का, नेचर देख लो आप बेटा कैसा होगा, कौन सी लाइट रेज से बन रही है आपकी, ठीक है. ये कौन सी लाइट रेज है, अपारेंट लाइट रेज है, इमेजनरी है, ठीक है. इनके इंटरसेक्शन से इमेज बन रही है, तो इमेज कैसे बनती है आपकी, वर्चुअल. इस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल. तो क्या लिखोगे आप, इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट. और साइज भी पूछा हुआ है, साइज कैसा है इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज देखो बहुत छोटा है, इमेज कैसी बन रही है, बहुत बड़ी, ठीक है. तो क्या लिखोगे, एंड ऑफ लार्जर साइज, ठीक है. कहाँ पे बनेगी वो भी बताओ, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, बिटवीन बता दिया आपने, ठीक है. रेंज पूछी तो रेंज बता दिया, बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है. अभी यहीं तक करते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है. थैंक यू.